टेस्ट क्रिकेट के 144 सालों के इतिहास में पहली बार टेस्ट को उसका असली किंग मिल ही गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारत को हराकर न्यूजीलैंड ने शानदार जीत दर्ज की और बन गया टेस्ट का अल्टीमेट किंग। वहीं मुकाबले की बात करें तो बारिश ने इस महामुकाबले में बहुत ज़्यादा खलल डाला। पहला दिन बारिश में धुल गया था और चौथे दिन भी एक भी गेंद बारिश के कारण नहीं फेंकी जा चुकी। वहीं जब दूसरे दिन मौसम साफ रहा इस मुकाबले में तो टॉस हुआ और टॉस न्यूजीलैंड की टीम ने जीता। भारत को बल्लेबाजी का आमंत्रण दिया। भारत की पहली पारी महज 217 रन पर सिमट गई। काइल जेमिनसन के आगे भारतीय बल्लेबाज लड़खड़ाते हुए नजर आए, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने पहली पारी में 249 रनों का शानदार स्कोर खड़ा किया और भारत पर बढ़त ले ली। वहीं बढ़त के जवाब में भारत जब बल्लेबाजी करने उतरा तो 170 रन ही बना सका और एक छोटा स्कोर चेज करने के लिए न्यूजीलैंड की टीम को दिया, जिसे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने आसानी से हासिल कर लिया। दूसरी पारी में केन विलियमसन ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और उनका साथ निभाया रॉस टेलर ने। रॉस टेलर ने भी शानदार बल्लेबाजी दिखाई। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से फेल नजर आए। दूसरी पारी में महज अश्विन को ही 2 विकेट मिले, जबकि पहली पारी में भारत के लिए शमी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस महामुकाबले में भारत की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही बैकफुट पर नजर आए, जो कि भारत की हार का एक बड़ा कारण बना। वैसे आप इस महामुकाबले को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।